अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू TF टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम CM2 MTK में अपने फ़ोन पे लगे पासवर्ड को रीड करवाएंगे। तो आज बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल की वीडियो है। तो यहाँ पर हम CM2 MTK का इंटरफेस ओपन करते हैं, और जब तक ये इंटरफेस ओपन होता, मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यह है हमारे पास CM2 MTK का इंटरफेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इसकी तमाम टैब्स को डीपली तरीके से कवर किया है, सबके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन हासिल की है। अगर आपने हमारी अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो अब हम सबसे पहले अपने फ़ोन पे कोई भी पासवर्ड लगाएंगे, देन हम रीड करेंगे कि वो पासवर्ड क्या है। बेसिकली आप वो पासवर्ड रीड करेंगे, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप कस्टमर को फ़ोन वापस देंगे, फ़र्ज़ करें कस्टमर का फ़ोन है, तो आप सेटिंग में जाके उसका पासवर्ड रिमूव करवाएंगे। तो फ़ोन पे पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आप फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी उसकी IC है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र डेटा फॉरेंसिक में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है रीसेट यूज़र कोड। अगर रीसेट करेंगे तो आपका कोड सिर्फ रीसेट होगा, रीड नहीं होगा। लेकिन अगर आप रीड पे प्रेस करते हैं तो जो आपके फ़ोन पे या कस्टमर के फ़ोन पे कोड लगा हुआ है, या आप भूल गए या जो भी है, तो वो कोड यहाँ पर आ जाएगा। आप अपने फ़ोन को ऑन करके वो कोड डायल करेंगे, देन फिर अगर कस्टमर का फ़ोन है तो उसे सेटिंग में जाके वो कोड रिमूव करके देंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैं रीड यूज़र कोड पे टिक करूँगा, चेक करूँगा, और यहाँ पे अब मुझसे वो फ़ोन मांग रहा है। देखें फ़ोन को लगाना कैसे था। सबसे पहले आपने फ़ोन की पावर ऑफ़ करनी है। फ़ोन की पावर ऑफ़ करने के बाद बूट कीज़ या बूट केबल की मदद से अपना फ़ोन अटैच कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर अपना फ़ोन अटैच करता हूँ। ये मैंने फ़ोन अटैच किया, तो यहाँ पे देखें डन लिखा हुआ आ गया। अब बेसिकली वो मुझे देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्टिव यस कोड। तो कोड क्या लगा हुआ है बेसिकली हमारे फ़ोन में, या पासवर्ड जिसे आप कहते हैं, 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को ऑन करेंगे। अगर ऑन हो जाता है तो ठीक, अगर ऑन नहीं हुआ तो ऑन कर लें, और ऑन करने के बाद जब वो पासवर्ड मांगेगा तो आप वो पासवर्ड डायल करेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डायल करने के बाद जब वो ऑन हो जाएगा, देन आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाके उसका पासवर्ड रिमूव कर देंगे। तो आप ऐसे इजीली अपने फ़ोन का पासवर्ड रीड कर सकते हैं CM2 MTK की इंटरफेस में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हम अपना पासवर्ड इजीली कैसे रीड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में CM2 MT2 के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।